गाइस आज होने वाला है एक नया स्पॉटलाइट आवर। अगर आपको स्पॉटलाइट आवर के बारे में नहीं पता तो स्पॉटलाइट आवर भी सेम लाइक कम्युनिटी डे जैसा होता है। यहाँ पर भी एक पोकेमॉन सिलेक्टेड रहता है, जो पोकेमॉन आप ढेर सारा वाइल्ड में देख पाओगे एंड वहां से कैच कर पाओगे। लेकिन जो कम्युनिटी डे एंड स्पॉटलाइट आवर में डिफरेंस है वो है शाइनी रेट का। कम्युनिटी डे में आपको ज्यादा शाइनी मिलता है, लेकिन स्पॉटलाइट आवर में भी शाइनी मिलता है, बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो आज एक पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर होने वाला है। एंड ये मंथ में टोटल कौन कौन सा पोकेमॉन है जिसका स्पॉटलाइट आवर होगा, डेट टाइम टोटल बताने वाला, प्लस रिवॉर्ड भी बता दूंगा। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेट्रेनर के एक नए वीडियो में। तो गाइस आप लोगों को टॉपिक पता चल चुका है, अभी गाइस हम लोग बातचीत करने वाले जो स्पॉटलाइट आवर हमें ये मंथ में मिलेगा एंड जो आज हमें मिलने वाला है। एंड हर एक स्पॉटलाइट आवर का अलग अलग रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो चलो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जो स्पॉटलाइट आवर होता है उसका टाइम, क्योंकि टोटल जितना भी स्पॉटलाइट आवर आएगा उसमें एक ही चीज कॉमन होने वाला है, वो है टाइम। तो गाइस स्पॉटलाइट आवर का टाइम होता है 6 PM to 7 PM लोकल टाइम। अभी बहुत लोग कंफ्यूज है ये लोकल टाइम क्या होता है। लोकल टाइम मतलब, ध्यान से सुनो, लोकल टाइम मतलब आप जो कंट्री में प्ले करते हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूं, अगर आप यूएसए में प्ले करते हो तो यूएसए का जो 6 PM to 7 PM लोकल टाइम है, मतलब 6 PM to 7 PM है, वो इंडिया से कभी भी मैच नहीं होगा। तो सिंपली अगर आप लोकेशन चेंज करके प्ले करते हो तो आपको यह ध्यान में रखना है, आप जो कंट्री में प्ले करते हो उस कंट्री का लोकल टाइम आपको पता करना है। गाइस आते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आप जो कंट्री में प्ले करते हो वो कंट्री का 6 PM to 7 PM लोकल टाइम क्या है, तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर चले जाना, वहां पर आपको टोटल टाइम जोन मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ एंड वहां पर सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे जरूर फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज है 5th December। तो गाइस आज होने वाला है फीबस पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर। एंड यहां पर मैं आपको एक टिप्स देता हूं, देखो फीबस पोकेमॉन का जो इवॉल्व वर्शन है उसको करने के लिए टोटल 400 कैंडी चाहिए, जो बहुत ज्यादा होता है। प्लस गाइस ये जो फीबस पोकेमॉन है ये बहुत कम हमें वाइल्ड में मिलता है, तो अगर आपको शाइनी ना भी मिले फिर भी आपको ये फीबस पोकेमॉन को आज ढेर सारा करके गेट करना है। टाइम क्या है, 6 PM to 7 PM लोकल टाइम, तो ये टाइम को आपको याद में रखना है। ठीक है, और गाइस यहां पर हमें जो रिवॉर्ड में मिलेगा 2x कैंडी वाइल्ड कैचिंग पोकेमॉन, मतलब आप जितना फीबस को कैच करोगे यहां पर आपको डबल करके कैंडी मिलेगा। तो गाइस अगर आप फीबस को इवॉल्व करना चाहते हो गाइस आपके लिए वो बहुत ही इजी होने वाला है। तो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट कौन कौन सा स्पॉटलाइट आवर आने वाला है। तो गाइस ऐसे इवेंट डिटेल्स जानने के लिए आपको क्या करना है, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें प्रेस जरूर कर देना एंड गाइस हर एक बंदे वीडियो में लाइक कर देना। तो गाइस अभी आते हैं फीबस पोकेमॉन के बाद नेक्स्ट जो पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर होने वाला है, वो पोकेमॉन का नाम है सिल। एंड ये पोकेमॉन भी बहुत कम हमें वाइल्ड में मिलता है एंड इसका भी शाइनी अवेलेबल रहेगा। तो अभी डेट सुन लो, डेट क्या है, December 12 होने वाला है सिल पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर। एंड यहां पर जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा 2x ट्रांसफर कैंडी, मतलब उस दिन आपको पोकेमॉन को ट्रांसफर करना है। अभी मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूं, सिंपली आपको क्या करना है, अभी देखो आपके पास ऐसा बहुत सारा पोकेमॉन होगा जिसका आईवी कम है, जिसका सीपी कम है, जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो होल्ड ऑन अभी रुक जाओ, आपको 12 December सब पोकेमॉन जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसमें एक, देखो आप लोगों को पता है रीनेम का एक ऑप्शन होता है, तो जो पोकेमॉन को आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसमें रीनेम कर दो कि ट्रांसफर, तो आपको पता चल जाएगा। एंड 12 December सब को ट्रांसफर कर देना तो आपको वहां पर डबल करके कैंडी भी मिल जाएगा। तो गाइस अभी आते हैं देखो नेक्स्ट जो पोकेमॉन है, तो गाइस 19 December होने वाला है स्नोरंट पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर। एंड गाइस एक चीज बता दूं, स्नोरंट पोकेमॉन का शाइनी मिलना बहुत ही लकी होता है, अगर आपके पास स्नोरंट का शाइनी है तो आप बहुत लकी हो। मेरे पास नहीं है तो मुझे गेट करना, कैसे गेट करना है, स्पॉटलाइट आवर में पार्टिसिपेट करके। तो 19 December होने वाला है स्नोरंट पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर। एंड गाइस वहां पर जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, जितना आप स्नोरंट को इवॉल्व करोगे या किसी भी पोकेमॉन इवॉल्व करोगे ड्यूरिंग वो 1 hour में, अच्छे से सुनो, 6 PM to 7 PM के बीच में आपको इवॉल्व करना है, तो उससे आपको डबल करके एक्सपी मिलेगा। ठीक है, तो गाइस अभी आते हैं जो लास्ट स्पॉटलाइट आवर हमें ये मंथ में मिलने वाला है, 26 December होने वाला है वैनिलिट पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर। एंड ये पोकेमॉन का स्पॉटलाइट आवर हर एक बंदे को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल एक न्यू शाइनी पोकेमॉन यहां पर मिलने वाला है। एंड एज अ रिवॉर्ड यहां पर हमें मिलेगा
2x कैच स्टारडस्ट, मतलब आप जितना पोकेमॉन को कैच करोगे 1 आवर के बीच में आपको उतना करके स्टारडस्ट मिलेगा, एंड आप ढेर सारा स्टारडस्ट को ग्राइंड कर सकते हो उस दिन, जिससे आपका जो स्टारडस्ट का अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। आप लोगों को पता है स्टारडस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या पावर अप करना चाहते हो तो आपको ढेर सारा करके स्टारडस्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये टोटल स्पॉटलाइट आवर हमें मिलने वाला है दिसंबर मंथ, एंड आज भी एक स्पॉटलाइट आवर होने वाला है फीबस पोकेमॉन का, जो आपको पार्टिसिपेट करना है। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।